नमस्कार, मैं अनामिका बिहारी न्यूज से, और आज हम आपको बिहार की 25 खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं। कभी नीतीश के करीबी थे विधायक अनंत सिंह। मोकामा विधायक अनंत सिंह के घर पर शुक्रवार को पुलिस ने छापा मारा। बीते दिनों पुलिस को सूचना मिली थी कि विधायक अनंत सिंह के घर और उनके दूसरे ठिकानों से हथियारों का मूवमेंट किया जा रहा था। बीएड परीक्षा में दाखिला लेने की प्रक्रिया प्रारंभ। बिहार राज्य में राजभवन से बीए बीएड और बीएससी बीएड की परीक्षा में दाखिला लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय को एक माह के अंदर प्रवेश परीक्षा लेने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इंटर पास विद्यार्थी इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। गूगल पर फेक नंबर का हो रहा है कारोबार, यूजर हो जाए सावधान। हाल ही में बेंगलुरु में हुई एक घटना में एक महिला ने गूगल सर्च पर जोमेटो कॉल सेंटर का नंबर सर्च किया और उसने अपने रिफंड के लिए रिक्वेस्ट की तो जालसाज ने उसके बैंक खाते की जानकारी मांगी। कुछ ही देर बाद महिला के खाते से पूरी राशि गायब हो गई। बाद में उसने फिर से नंबर खंगालने की कोशिश की परंतु उसे कोई नंबर नहीं मिला। फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो की तरफ से फेक कॉल सेंटर से जुड़ी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। फेक कस्टमर केयर कर्मचारी बनकर हैकर्स कस्टमर से उनके बैंकिंग डिटेल पूछ लेते हैं और बाद में उनके खाते से रकम खिसका देते हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी दूसरे विद्यालय में। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के छात्रों को प्रैक्टिकल की परीक्षा दूसरे विद्यालय में देनी होगी। यह नियम 2020 से लागू होगा। इस परीक्षा की तिथि 15 दिसंबर से शुरू होगी। बिहार पुलिस विभाग को मिली हाईटेक गाड़ियां, आने वाली है अपराधियों की शामत। सरकार ने पुलिस विभाग को हाईटेक गाड़ियां मुहैया कराई हैं। इन गाड़ियों में हाईटेक उपकरणों के साथ 3D कैमरे भी हैं, जिनसे काफी अच्छी तस्वीरें खींची जा सकती हैं, जिससे अपराधियों को पहचानने में आसानी होगी। इस गाड़ी में किसी भी दुर्घटना या अन्य आपराधिक घटनाओं की जांच के लिए पर्याप्त हाईटेक उपकरण लगे हुए हैं। सिवान ने जीता विजेता ट्रॉफी। सिवान के जीरा दे के प्रतीक कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 5वीं बिहार राज्य जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप शनिवार को आयोजित थी, जिसमें सिवान की टीम नवादा की टीम को 16-8 से हराकर विजेता ट्रॉफी हासिल कर ली। अनंत सिंह के घर छापेमारी पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिया बयान। अनंत सिंह के घर हुई छापेमारी और गिरफ्तारी से नाराज रघुवंश प्रसाद सिंह और पप्पू यादव के बाद अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। मांझी ने कहा कि दलितों की तर्ज पर सरकार अनंत सिंह को फंसा रही है। उन्होंने कहा है कि जैसे दलितों के घर हथियार रखकर उन्हें नक्सली के केस में फंसाया जाता था, अब अनंत सिंह पर वही फार्मूला सरकार अनंत सिंह पर अपना रही है। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार के कई राजनेताओं ठेकेदारों के पास AK-47 है, सरकार उनके घर छापेमारी क्यों नहीं कर रही। मेयर पति के द्वारा पार्षद के साथ दुर्व्यवहार। पूर्णिया में मेयर सविता सिंह के पति के द्वारा पार्षद रमेश पासवान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। इस विवाद के मसले को महापौर और उप महापौर ने जिलाधिकारी को सौंप दिया है। राजद के सामने केसी त्यागी ने रखा प्रस्ताव, कहा हमारी पार्टी एकजुट है। बिहार में राजद पार्टी के नेता तेजस्वी के गायब होने से पार्टी में उथल पुथल मची हुई है और पार्टी के सदस्य नाराज हैं। पार्टी की इस कमजोरी को देखते हुए जेडीयू के प्रधान महासचिव त्यागी ने राजद पार्टी के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि राजद के लोग इधर जेडीयू में शामिल हो जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि समान विचारधारा और एक ही सोच रखने वाले लोग जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। हम उनका स्वागत करेंगे जिस तरह अली अशरफ फातमी के आने पर किया। शिक्षक संघर्ष समिति के सदस्य धरना पर। सासाराम में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समिति के सदस्य समाहरणालय के सामने धरना दिया है। नारेबाजी की और उनका कहना है कि सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है और उनके वेतन मान को लेकर गंभीर नहीं। बिहार में तलाशा गया राज्य का पहला कोयला खदान। सेंट्रल माइंस एंड प्लानिंग डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट CMPDI ने बिहार के मंदार पर्वत ब्लॉक में कोयले की पहली खान की तलाश की है। CMPDI का दावा है कि बिहार राज्य का यह पहला खान होगा। इस कोयले की खान को तलाशना हमारी टीम की बड़ी उपलब्धि है। भारत के खनन मानचित्र में बिहार राज्य का अब नाम जुट जाएगा। मोबाइल चोर पकड़ाया। गुप्त सूचना के आधार पर पटना में आलमगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से चोरी की गई दर्जनों मोबाइल के साथ सूरज नाम के एक व्यक्ति और एक बेबी खातून नाम की महिला को पकड़ा है। बाकी लोगों की छापेमारी जारी है। CFMS ने वित्त विभाग से की शिकायत, वेतन मिलने में हो रही समस्या। कर्मियों के स्थानांतरण होने के बाद उनका डाटा माइग्रेट होने के बाद ग्रुप नाम संबंधी
कॉलम फ्रीज रहने से समस्या हो रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव को भेजा पत्र और कहा CFMS के माध्यम से वेतन भुगतान करने में त्रुटि हो रही है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों व कर्मियों को निर्देश देने का अनुरोध किया। लालू यादव का चलना फिरना हो गया है मुश्किल। डीके झा रांची के रिम्स अस्पताल के डॉक्टर ने बताया है कि लालू यादव के हड्डी में दर्द बढ़ गया है और उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया है। वे अर्थराइटिस की बीमारी से परेशान हैं और उन्हें परहेज की जरूरत है। शराबबंदी को हल्के में मत ले वरना जा सकती है नौकरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार और अपराध से अब कोई समझौता नहीं करेगी। भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई जारी ही रहेगी। महिलाओं की मांग पर राज्य में शराबबंदी लागू की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो शराब जब्त करने और कार्रवाई करने में गड़बड़ी करेंगे उन सरकारी कर्मचारियों को सेवा में नहीं रहने दिया जाएगा। रानी चटर्जी की वीडियो हो रही है वायरल। भोजपुरी फिल्म जगत की दिग्गज एक्ट्रेस रानी चटर्जी स्विमिंग पूल पर प्रैक्टिस करते हुए अपनी वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है जो काफी वायरल हो रहा है। उनका अंदाज लाजवाब है और वे अपनी बेबाकी के लिए पहचानी जाती है। मीठापुर बस स्टैंड में बनाए जाएंगे 5-स्टार AC वेटिंग हॉल। नगर निगम द्वारा मीठापुर बस स्टैंड में यात्रियों के ठहरने के लिए 2 AC नाइट शेल्टर का निर्माण कराया जाएगा जिसमें 50 लोग ठहर सकते हैं। इसमें 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेगी। PDMC इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट अजीत कुमार नयन ने बताया कि 6 माह में दोनों शेल्टरों का काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। आम्रपाली ने खुलासा किया अपनी जिंदगी के कई पहलू। भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस आम्रपाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा है। दरअसल उन्होंने इसमें अपने अब तक की सफर और अपनी जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण बात बताई हैं। वे कैसे इंसान से शादी करना चाहती है इसका भी खुलासा किया। अब पूरे बिहार में लागू होगी CM नीतीश का मॉडल साइकिल पोशाक योजना। बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन BBOS की तरह हर राज्यों में भी ओपन स्कूलिंग बोर्ड का भी प्रस्ताव है। नई शिक्षा नीति 2019 पर शुक्रवार को शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रारंभिक स्तर पर नीति को ठीक माना गया। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए अधिक राशि की जरूरत है जिसके लिए केंद्र सरकार से बिहार को पर्याप्त राशि देने की मांग की गई। 91 स्थानों को नो पार्किंग के लिए चिन्हित किया। पटना में 91 स्थानों को नो पार्किंग के लिए चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट मैंडेटेड ट्रैफिक सुधार हो रहा है। बाद में इन स्थानों पर CCTV कैमरा लगाने की बात कही है। बिहार के सभी स्कूल अब होंगे स्मार्ट क्लास। 2 महीने के अंदर सभी विषयों की पढ़ाई हो जाएगी शुरू। राज्य के सभी 5726 स्कूलों में 2 माह के अंदर ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाई आरंभ की जा सकती है। BEd प्रशिक्षणार्थी हैं धरना पर। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चंद्रनगर राको गेट के सामने शनिवार को सर्टिफिकेट की मांग को लेकर प्रशिक्षणार्थी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। जानकारी के अनुसार गैस गोदाम के कर्मियों ने 3 छात्रों की पिटाई कर दी है जिसमें सुखदेव कुमार, राजा राम और आरोहित घायल हो गए हैं। मोतिहारी DM ने कार्य में लापरवाही बरतने वालों को वेतन देने से रोका। मोतिहारी DM रमन कुमार ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। DM ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले 10 CEO के वेतन पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। DM ने आदापुर, चकिया, अरेराज, पहाड़पुर, रक्सौल, संग्रामपुर, केसरिया, तुरकौलिया, घोड़ासहन, कल्याणपुर CEO के वेतन पर रोक लगाते हुए बिना रुके कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। वाणिज्य संकाय के डिग्री पाठ्यक्रम परीक्षा 2018 का परीक्षा परिणाम घोषित। BN मंडल विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोसी प्रमंडल के वाणिज्य संकाय के डिग्री पाठ्यक्रम परीक्षा 2018 का परीक्षा परिणाम शनिवार को जारी कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया है कि छात्र विवि के वेबसाइट www.bnmuweb.com पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब जानते हैं बिहार के मौसम का हाल। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मोतिहारी में गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं भागलपुर, छपरा, फरबीसगंज, गया, पटना, सुपौल, नालंदा में हल्की बारिश हो सकती है। अभी के लिए इतना ही। बिहार की नई ताज़ा अपडेट खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।